देखिए, और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हम वेबसाइट के बारे में देखते हैं कि वेबसाइट तो आप लोगों को पता है। अब ये एक वेबसाइट लेते हैं google.com, तो याद रखिए ये दुनिया में सिर्फ एक ही वेबसाइट है। दुनिया में करोड़ों वेबसाइट्स होंगी, हमको पता भी नहीं कितनी होंगी, अनगिनत होंगी, लेकिन याद रखिए कि पूरी दुनिया में अगर एक बार कोई वेबसाइट बन गई किसी नाम के साथ, फिर दूसरे नाम के साथ वो वेबसाइट नहीं बनती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि भाई हम जो गूगल यूज कर रहे हैं ये इंडिया के अंदर यूज कर रहे हैं तो इंडिया की वेबसाइट है, अमेरिका में कोई दूसरी होगी ना। एक बार पूरी दुनिया में अगर कोई छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी वेबसाइट बन गई तो वो कॉमन है पूरी दुनिया के लिए, याद रखिए, क्योंकि ये हमारा कौन सा है, इंटरनेट है, और इंटरनेट पर जो कुछ चीजें अवेलेबल है वो सारी दुनिया के अंदर अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया वालों को दिख रही, या अमेरिका वालों को दिख रही, या सऊदी वालों को दिख रही। इंटरनेट पर जो कुछ चीजें अवेलेबल है वो पूरी दुनिया के लिए कॉमन है। तो इंटरनेट पर जितनी वेबसाइट्स होंगी उनका सबका नाम सेपरेट होगा। दुनिया में कोई भी वेबसाइट दोबारा नाम के साथ आपको नहीं मिलेगी। एक बार कोई वेबसाइट बन गई, चाहे वो कितनी भी झूठी हो, फिर आपको दुनिया में उस नाम के साथ वेबसाइट कोई दूसरी नहीं मिलेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए कि वेबसाइट का जो नाम होता है वो कॉमन होता है, एक ही होता है पूरी दुनिया के लिए। ऐसा नहीं होगा कि एक कंट्री के लिए एक वेबसाइट है और उसी कंट्री ने दूसरे नाम के साथ अपने कंपनी अपने कंट्री के अंदर फिर से वही वेबसाइट का नाम दिया। ये इंटरनेट पर नहीं होता।